वंस अगेन। सो फ्रेंड, अभी मैं निकल रहा हूँ एक फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि हम साथ में हमने बीटेक करा है और वो अभी एक्चुअली मेरे होम टाउन में एडमिशन लिया हुआ है। तो अभी कहाँ जा रहा हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ IIM बोधगया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुना, मैं जा रहा हूँ IIM बोधगया, जहाँ पर मेरे फ्रेंड ने एडमिशन लिया है। तो उसने आज बुलाया था मुझे, एक्चुअली 3 बजे के बाद ही बोला था। तो अभी बारिश होने लगी इसलिए मैं रुक गया। मैं अभी लगभग 3:30 हो रहे हैं, अभी निकल रहा हूँ मैं। और चलो दिखाता हूँ कैंपस पूरा अगर एक्सप्लोर करने को मिला तो ठीक है, अदरवाइज मैं दिखाऊंगा कि आई एम बोधगया। हॉस्टल्स वगैरह दिखा सकते हैं, उसका हॉस्टल में जा रहा हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या दिखा पाता हूँ मैं दिखाऊंगा। और बारिश हो रही है इसलिए मैंने रेनकोट वगैरह सब पहन लिया है। तो फटाफट लेट ना करते हुए निकलते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे मैं आई एम बोधगया में। तो मैं अभी आ गया हूँ बोधगया, ये पिक्चर देख सकते हो। और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर या 200 मीटर और रह गया है, 200 या 300 मीटर और रह गया है, सामने दिख रहा है। तो चलो मैं दिखाता हूँ उधर और फिर चलते हैं। ये देखो, ये है मगध यूनिवर्सिटी है, ये पूरी बाउंड्री। और ये अपना नया वाला जो हाईवे खुला है ये है, और इधर बोधगया सामने ये भी कुछ नया बन रहा है, आई डोंट नो क्या है। वहाँ IIHM भी है। और फिर हम अपन बढ़ते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ IIM। ये रहा IIM बोधगया, यहाँ जो येलो देख रहे हो, और इसी में अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं हम लोग, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो IIM बोधगया गेट पर मैं हूँ, और यहाँ से चलते हैं अंदर और फिर मैं दोस्त से मिलूँगा, फिर आपको पूरा कैंपस दिखाऊँगा। तो अभी मेरा जो फ्रेंड है वो फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा, हल्का सो गया है क्या क्या क्लास में पता नहीं। ये देखो पीछे IIM बोधगया, एक बार वो कॉल रिसीव कर ले, उसके बाद चलता हूँ अंदर और फिर मैं दिखाता हूँ आपको IIM बोधगया को। मेरी बाइक खड़ी है यहाँ IIM बोधगया, और यहाँ पर एंट्रेंस सिक्योरिटी वाले जाने नहीं दे रहे हैं, तो वेट कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं एक्सप्लोर करने आ गया हूँ। ये बंदा सोया हुआ था, ये वही है जो कि कलकत्ता में मिले थे हम लोग। तो अभी मेरा फ्रेंड गया है रूम के चाबी लाने के लिए यहाँ पे। आप देख सकते हो ये IIM बोधगया की बिल्डिंग है यहाँ पे, और थोड़ा देर में एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह। ये सारे कैडिंग्स बिल्डिंग है, जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक कवर करूँगा और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ये है IIM बोधगया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो तो दिखा देंगे। अभी काम चल ही रहा है, एक्चुअली ये बनी है 2020 के आसपास उन्होंने स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर देख लो, थोड़ा थोड़ा सब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर दूंगा मैं। ये पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा। ये देखो, तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड के हॉस्टल में तिलक लगाने, और फिर वहाँ पर रेनकोट वगैरह हेलमेट वगैरह रख के फिर वहाँ से निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक बार मैं थोड़ा सा चेंज वेंज कर लूँ और फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये यहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट है, ये देखो पीछे, और इधर है जिम ये वाले। तो ये देखो, बैक कैमरा ऑन करता हूँ मैं। ये देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इधर है जिम। किधर से जाना है जिम? और ये है जिम यहाँ का। चलो, तो ये है उड़ान कॉम्प्लेक्स, जिसमें मल्टीपर्पज़ गेम्स होते हैं, योगा, जिम, एवरीथिंग। तो अभी यहाँ से चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये फैकल्टीज का क्वार्टर, ये सामने हॉस्टल्स वगैरह हैं। ये देखो IIM बोधगया का नाश्ता, और ये मेस। अभी मैं हूँ मिस में, और यहाँ पर इनके स्नैक्स का मज़ा ले रहा हूँ। यहाँ से निकल के बाकी लोग चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा और देखते हैं, कभी टाइम मिले होते हैं डिनर भी आके एंजॉय कर लूँगा मैं। तो यहाँ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन देखो ये, और ये है बॉयज़ हॉस्टल। ये यहाँ से यहाँ तक बॉयज़ हॉस्टल है, और ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये देखो
यहाँ ये देखो, चलते हैं सामने और निकलते हैं फिर उधर से। रही थी यहाँ पर, इधर गर्ल्स इधर बॉयज हॉस्टल, हमारे यहाँ एकदम सेपरेट एकदम अलग। चलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ प्लेग्राउंड वगैरह है और ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर ये कर लेता मैं, इधर मुझे कैंपस बढ़ाने नहीं है पूरा। ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर बास्केट मतलब मिनी स्पोर्ट्स जहाँ पर वो चल रहा है बास्केट वगैरह, और ये बच्चों का खेलने का जगह है। ये देखो गर्ल्स हॉस्टल, ये सामने बॉयज हॉस्टल, और ये स्टाफ रेसिडेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रेसिडेंस। एक तो गर्मी से हालत मेरी ख़राब हो रखी है। ये हमारे यहाँ जैसे PHC होता है, यहाँ पर देखो धन्वंतरी है। और धन्वंतरी पता है गया में किसी एक जगह का वो है नाम है, इसलिए उसके नाम पर रखा, और कुछ फेमस मतलब उनके ये पर है इसलिए। ये देखो ये है एकेडमिक बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग यही है, और सामने है मेन गेट। ये देखो तो लगभग हो गया है, स्टैचू है, चलो वो भी देखते हैं। ये देखो एकेडमिक बिल्डिंग यहाँ का, और ये है मेन गेट। थोड़ा सा और घूम लेते हैं फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी मेन गेट पर आ गए हैं, और ये देखो मेन गेट पर बुद्ध भगवान, और बस यही सारे थे। किसी दिन रात में आऊँगा, रात में अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ तो ठीक है। और ये हमारा हाईवे, चलो और कुछ तो नहीं देखने के लिए, निकलते हैं अब यहाँ से। ओल्ड बिल्डिंग है IIM बोध गया की, जहाँ पर क्लासेस चलती थी, जैसे IIT जोधपुर की भी चलती थी MBA में। यहाँ पर देखो कहाँ IIM बोध गया की ओल्ड रूम जो कि है वो मगध सिटी के अंदर आता है। तो मिलना जुलना हो गया है, कैंपस देख लिया मैंने, और अब यहाँ से हो गई है निकलने की बारी। आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ पीछे। ये देखो ये इसका हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल, और इधर गर्ल्स हॉस्टल, और ये इसका सामने मेस है यहाँ पर, और ये हमारा रामपुर गाँव, और ये मगध सिटी है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और फिर घर चलते हैं। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और चलते हैं घर, और तब तक मैं पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। सारे, और यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग मेन गेट की तरफ। ये सामने है मेन गेट, पीछे अकेडमी बिल्डिंग है, तो निकलते हैं यहाँ से। मैं निकल रहा हूँ, ये पीछे देख लो एक बार, और फिर सीधे चलते हैं घर। और आज का बस ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। देखो ये डोगी वाली रोड, और ये IIM बोध गया।